हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि गाइस जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि जैक कहाँ पे इंस्टॉल होता है। जो कंपनी कंपनी फिटेड जैक होता है वो कहाँ पे रखा होता है, और अपन जब इमरजेंसी में अपनी कार का टायर पंचर हो जाता है और कोई शॉपकीपर नहीं होता आसपास, या फिर नाइट में लेट नाइट, तो अपन जो कार का पंचर टायर है सिर्फ चेंज कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में, और खुद से बहुत इजी तरीके से। तो गाइज चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपकी कार का जैक होगा, कंपनी जैक, वो हमेशा आपके जो पीछे का कंपार्टमेंट होता है बैक साइड का, उसमें मिलेगा, पीछे के डिग्गे में, सेडान में। कुछ नीचे मिलेगा पार्सल ट्रे के, जो ये ट्रे होती है इसके पास मिलेगा, और ये टूल सब यहीं मिलेंगे। तो इसको आप जो स्क्रू है इसको लूज़ करके यहाँ से जो फिट है आप यहाँ से जैक निकाल सकते हैं, और बाकी टूल्स आपको यहीं मिल जाएंगे। और कार में जैक लगाने से पहले जो आपकी कार का हैंड ब्रेक है उसको अप्लाई कर देना है, और फर्स्ट गियर में डाल देनी है। लेकिन फर्स्ट गियर में डालो मत डालो, लेकिन हैंड ब्रेक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जैक लगा के कार को लिफ्ट करोगे, तो जब आप टायर को, जो टायर के नट्स होते हैं इनको खोलने की कोशिश करोगे, तो हैंड ब्रेक नहीं होगा या फिर गियर में नहीं होगा, तो क्या है, ये मूव करेगा और आपका जो फोर्स है वो ठीक से लग नहीं पाएगा और नट नहीं खुल पाएंगे। तो इसलिए कार को हैंड ब्रेक लगा के और गियर में डाल के तब नट खोलना। और सबसे पहले क्या करना है, अब जैक लगाने से पहले जब कार को लिफ्ट नहीं करो, उससे पहले ही आपको जो जो टायर चेंज करना है, जो कार का पंचर टायर चेंज करना है, उसके जो नट्स होते हैं वो पहले ही लूज़ कर लेना। ऐसे नहीं है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कार को लिफ्ट करने के बाद फिर नट लूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, काफ़ी बार चांस होते हैं आपके जो नट होते हैं फ्री होने के, फिर आपको वापस से अंदर के नट बोल्ट डलवाने पड़ेंगे। इसलिए कार को लिफ्ट करने से पहले जो ये नट्स हैं थोड़े बहुत लूज़ कर लो, ताकि बाद में कार को लिफ्ट करने के बाद में ये इजीली खुल सके और पूरा फोर्स लग सके इनके ऊपर। गाइस क्या करेंगे, जो ये जैक है, कार जैक है, इसको आप हाथ से पहले लूज़ कर लेना, इसको ये इजीली लूज़ हो जाएगा। मेरे से इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ऐसे हाथ से जो आपका कार का जो साइज है उतना हाथ से ही हो जाएगा ये बहुत इजीली। फिर इसको जो इंस्टॉल करने का सही तरीका है, जो ये लाइंस देख रहे हैं आप, ये जो लाइंस होती है, तो इसका ये टॉप होता है ये जैक का, वो लाइंस इनके बीच में आ जाएंगी, तो इससे क्या है ये सेफली आपकी कार को लिफ्ट कर देगा। देखो भाई, ये जो टॉप का कटा हुआ है ये लाइन बीच की यहाँ पे आ गई, ये सबसे सही तरीका है जैक लगाने का। और फटाफट आप इसको ऐसे मूव करके बिल्कुल थोड़ा जितना टाइट हो सके हाथ से उतना कर लो, फिर उसके बाद टूल से करना है। और टूल से कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। तो गाइज मैंने हाथ से जितना फिट हो सकता था, जितना ये टाइट हो सकता था उतना टाइट कर दिया। अब क्या करना है आपको, जो आपके टूल्स का पैकेट होगा ऐसा, तो उसमें उसके अंदर आपको ये जो ये ऐसे होगा ऐसा टूल निकालना है, जो ऐसे राउंड होगा यहाँ से, और दूसरा जो टूल निकालना है वो ये जो नट लूज़ करने वाला, उसके बीच में ये स्पेस दी होगी। काफ़ी क्या करता है, सिर्फ इसी से ही ये ओपन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं और आइडिया नहीं होता कुछ भी, जो वुमन्स वगैरह होती हैं जो भी, तो क्या करना होता है गाइज, ये वाला टूल यहाँ फंसा के और ये वाला जो टूल के अंदर, पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको लिफ्ट करने से पहले इनको लूज़ कर लेना है, जो नट्स हैं टायर के। ये क्या है, मेरे का टायर पंचर है लेकिन मैं करके बता रहा हूँ, तो इनको अभी से लूज़ करना है। और क्या बोलते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज लूज़ होंगे और क्लॉकवाइज ये टाइट होंगे। देखो गाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे लूज़ होंगे, ये लूज़ हो गया, और ये क्लॉकवाइज ये टाइट होंगे नट। काफ़ी क्या होता है, इनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे, इतना ये टाइट बंद नहीं होते, बाई चांस हो जाते हैं जब काफ़ी दिन से खोलते नहीं है काफ़ी टाइम से, लेकिन खड़ा मत होना, क्योंकि इसके ऊपर ये नट फ्री होने के चांस है। नट बोल्ट अगर फ्री हो गए तो वापस से पूरा अंदर डलेगा ये पूरा सेट, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो गाइज थोड़ा थोड़ा लूज़ करने के बाद इन नट्स को, उसके बाद कार को लिफ्ट करना है, और ये वाला टूल लगाने के बाद, जो ये वाला टूल होता है नट खोलने का, उसके बीच में ऐसे होल होता है, उसके बीच में जो ये वाला टूल है उसको
ऐसे फंसा देना है, और एक हाथ से गाइस ऐसे करके यहाँ से पकड़ लेना इसको, और ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। गाइस अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइस इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना है इसको, एक हाथ इस वाले ढोल पे रखना है और दूसरा हाथ यहाँ पे। और तो गाइस देखना कितनी इजीली और कितनी फास्ट यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगी। और ये छोटा बच्चा भी कर सकता है, 15 साल का बच्चा भी। गाइस आप देख सकते हैं इसके अंदर एक मिनट भी नहीं लगी मेरे को, और ये जैक ने कार को लिफ्ट कर लिया और प्रॉपर तरीके से लिफ्ट किया है। ऐसे नहीं इसकी नीचे से कोई डैमेज हो रहा हो, किनारी मुड़ रही हो, कुछ नहीं। और कार देखो गाइस, कार का टायर देखो लिफ्ट हो चुका है पूरा। तो ऐसे आप इजीली सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी कार का जो पंचर टायर है उसको रिमूव कर सकते हैं। गाइस जो आपके कार का टायर रिप्लेस करने के बाद जब आप टायर को रिप्लेस करके जब नट टाइट करें, तो इस कंडीशन में जब आपकी कार लिफ्ट हो, टायर लिफ्ट हो, तो इस कंडीशन में भी आप अपनी जो कार के नट्स है टायर्स के उसको अच्छी तरह टाइट ना करें, पूरा फोर्स लगा के थोड़ा लूज रहने दें। लास्ट में पूरा फोर्स लगा के टाइट तब करना है जब आपकी कार डाउन आ जाए, पूरा वेट कार का टायर पर आ जाए। इससे क्या होगा, जो आपके नट हैं वो अच्छी तरह खस जाएंगे बराबर फोर्स लगा के। तो गाइस जब डाउन आ जाए कार, उसके बाद जो पूरे कंप्लीट है तब टाइट करना है, उससे पहले नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में ही जब लिफ्ट होती है उसको टाइट कर देते हैं अच्छी तरह खड़े हो के, उसके ऊपर जो उनका टूल्स होते हैं, तो उससे क्या होता है उस केस में भी जो आपके नट्स हैं उनकी जोड़ी फ्री होने का चांस रहता है। तो गाइस पूरा डाउन थोड़ा वो टाइट करके जितना हो जाए पूरा फोर्स लगा के, नहीं फिर बाद में जब डाउन हो जाए उसके बाद पूरा कंप्लीट फोर्स लगा के इनको टाइट करना है। सो आई होप गाइस आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इस चैनल पे ऐसी ऑटोमोबाइल रिलेटेड और DIY टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो आती रहती हैं। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।